नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। कोरोना से पूरा भारत त्रस्त है, लोग लॉकडाउन में हैं, गरीब और मजदूर परेशान हैं। इस कोरोना काल में पूरे भारत को मिलकर लड़ना होगा। सभी तरह के राजनीति विरोध से ऊपर उठकर इस समस्या से निपटना होगा। लेकिन सरकार का काम ठीक से हो रहा है या नहीं, यह भी तो पूछना होगा। अगर कहीं गलती और कमी नजर आती है तो उस पर सवाल उठाने का काम विपक्ष को ही करना होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है। इस वक्त प्रदेश में विपक्ष के दो बड़े चेहरे हैं, एक अखिलेश यादव, दूसरा मायावती। लेकिन कोरोना के समय जनता के साथ ज्यादा कौन जुड़ा दिखाई दे रहा है? जवाब है अखिलेश यादव। इस संकट की घड़ी में मजदूर और गरीबों की आवाज अखिलेश यादव प्राथमिकता के साथ उठा रहे हैं, एक मजबूत विपक्षी नेता की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। हर मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, कोरोना के टेस्ट पर, डॉक्टर की सुविधाओं से जुड़े उपकरण पर, नर्सेज की सुरक्षा पर, गरीबों के खाने के इंतजाम पर, राशन वितरण पर, जरूरी सामान की उपलब्धता पर, गरीब मजदूर की समस्या पर। अखिलेश यादव ट्विटर पर आजकल एक्टिव है और ट्विटर के माध्यम से सवाल और सुझाव दे रहे हैं। वहीं मायावती ऐसा कुछ भी करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो अब उत्तर प्रदेश में विपक्ष के चेहरे के रूप में सिर्फ एक नाम दिख रहा है, अखिलेश यादव। मायावती एक कमजोर विपक्षी नेता की भूमिका में दिखाई दे रही हैं। अखिलेश और मायावती दोनों के सवाल, सुझाव और ट्विटर की संख्या पर अगर नजर डाले तो अखिलेश यादव आगे दिखाई दे रहे हैं। जब से देश में कोरोना का संकट गहराया है तब से लेकर अब तक अखिलेश यादव ने कोरोना पर सवाल और सुझाव से जुड़े कुल 44 ट्वीट किए हैं, जबकि मायावती जी ने 20 ट्वीट में सवाल भी पूछे हैं और सुझाव भी दिए हैं और अपने कार्यकर्ताओं से सहायता की अपील भी की है। आइए अखिलेश यादव के कुछ ट्वीट्स पर नजर डालते हैं। इस ट्वीट में अखिलेश यादव जनता के सहयोग की सराहना कर रहे हैं और सरकार को याद दिला रहे हैं कि अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आवश्यक वस्तुओं, दूध, अनाज, सब्जियों, मरीजों के लिए फल व दवा का पूरा इंतजाम करे और जबरन बढ़ते मूल्यों पर भी ध्यान दे। एक दूसरे ट्वीट में वो अपील कर रहे हैं कि सरकार कोरोना की जांच, इलाज व देख रेख में लगे डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, ऑपरेटर, ऑफिस एडमिनिस्ट्राफ, स्वच्छता व सुरक्षा कर्मचारियों को भी तुरंत प्रोटेक्शन किट उपलब्ध कराए जिससे वे सुरक्षित महसूस कर सके। एक अन्य ट्वीट में पलायन को मजबूर मजदूर के लिए व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। रास्तों पर भटक रहे मजदूर को भोजन, पानी, चिकित्सा और रैन बसोरों के इंतजाम की मांग कर रहे हैं। लोगों के बीच राशन बांटने के काम पर भी सुझाव दे रहे हैं। गरीब मजदूरों के खाते में पैसे भेजने की भी मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उत्तर प्रदेश सरकार में जरूरी सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार को यह बताना चाहिए कि प्रदेश के हर जिले में कोरोना की जांच की कितनी किट उपलब्ध है, संक्रमण की आशंका वाले लोगों को अलग रखने के लिए कितने आइसोलेशन वार्ड और कोरोना ग्रसित मरीजों के इलाज के लिए कितने वेंटिलेटर उपलब्ध है। अखिलेश यादव जनता से भी अपील कर रहे हैं कि जिन्हें भी वायरस से पीड़ित होने के लक्षण दिखे उन्हें स्वयं जांच के लिए आगे आना चाहिए व डॉक्टर्स का सहयोग और सम्मान करना चाहिए। अखिलेश यादव पूरे जज्बे के साथ लोगों से जुड़े रहे हैं, लोगों की समस्या को उठा रहे हैं, गरीब मजदूरों की परेशानी को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, सरकार को बेहतर सुझाव भी दे रहे हैं। इन सब बातों से लगता है कि अखिलेश यादव जनता की परवाह करते हैं और उनके लिए लड़ रहे हैं। वहीं अगर मायावती की बात करें तो वो बहुत ही कमजोर नजर आ रही हैं। ट्वीट जरूर कर रही हैं लेकिन मुद्दों से जनता को जोड़ नहीं पा रही हैं, गरीब और मजदूर की आवाज नहीं बन पा रही हैं। पहले की मायावती और अब की मायावती की तुलना करें तो पाएंगे कि मायावती अब विपक्ष की भूमिका उस ताकत के साथ नहीं उठा रही हैं जैसे वो पहले करती थी और लोग उससे जुड़ जाते थे। अब ऐसा लगता है जैसे वो नाम भर के लिए किसी मुद्दे पर एकाध ट्वीट लिख देती हैं। दलित समाज के लोग भी अब मायावती से दूर हो रहे हैं। मायावती में अब शायद जनता को जोड़ने की रणनीति में कमी आ रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव विपक्ष की भूमिका के केंद्र में आते जा रहे हैं, जनता की समस्या और मुद्दों को उठा रहे हैं, सभी समाज के लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम, दलित सबकी बात कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए लगता है कि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में बीजेपी के विरोध में सिर्फ एक ही चेहरा होगा, वो होगा अखिलेश यादव।